वेलकम टू होम रसोई फ्लेवर्स फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे पनीनी। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। ये जल्दी भी बन जाती है। आप इसे ब्रेकफास्ट या फिर लाइट लंच में भी खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इसके लिए हम लेंगे एक टमाटर और उसे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। एक प्याज लेंगे और उसे भी हम स्लाइसेस में कट कर लेंगे। यहाँ मैंने थोड़े सनड्राइड टमेटोज लिए हैं, अराउंड 1 टीस्पून। ये अगर आपके पास है तो आप यूज़ कीजिए, नहीं तो ये ऑप्शनल है। इससे रेसिपी में एक बहुत ही अच्छा पंच मिल जाता है क्योंकि ये हल्के से खट्टे होते हैं। यहाँ मैंने यूज़ की है एक पनीनी ब्रेड। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सॉफ्ट ब्रेड लोफ भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम बीच में से कट कर लेंगे और इसमें हम अप्लाई करेंगे बटर। तो अच्छे से बटर इस पर स्प्रेड कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे लेटस। अगर आपके पास अवेलेबल है तो यूज़ कीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। टमाटर की स्लाइसेस, अनियन स्लाइसेस, यहाँ पे मैंने रिंग्स यूज़ किए हैं, और साथ ही में हैलपिनोज। अगर है तो यूज़ कीजिए, नहीं तो ऑप्शनल है। और अब टेस्ट के लिए डाल रही हूँ सनड्राइड टमेटोज और थोड़े से शिमला मिर्च के स्लाइसेस। थोड़ा केचप ऐड करेंगे और मेयोनीज भी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो अब ये रेडी है ग्रिल करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक ग्रिलर लिया है और उसमें इसको मैं ग्रिल करूँगी। इसके ऊपर थोड़ा बटर लगा लेंगे और उसके बाद इसे ग्रिल करेंगे। अगर आपके पास ग्रिलर नहीं है तो आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं। तो लीजिए, हमारी पनीनी की रेसिपी रेडी है। ये हेल्दी तो है ही और टेस्टी भी बहुत है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। हैप्पी कुकिंग फ्रेंड्स।